नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान आसमानी। रुक करेंगे बिहार की खबरों की ओर। बाढ़ अनुमंडल के पचमहला ओपी थाना अंतर्गत जान से मारने की नियत से गोलीबारी कर रहे तीन हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये सभी अपराधी डुमरा जंजीरा के बताए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब इस कार्रवाई को पचमहला ओपी थाना अध्यक्ष प्रहलाद कुमार झा के नेतृत्व में बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पूरे नालंदा जिले में भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित छठ के पर्व का चौथा और आखिरी दिन ऊष्मा अर्घ के रूप में मनाया गया है। आपको बता दें कि छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है, इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है और चौथे दिन यानी कि आज के दिन ऊर्षा अर्घ के नाम से जाना जाता है। वही अब 36 घंटे के बाद निर्जला व्रत और छठ पूजा का समापन हो गया है। खबर नालंदा से है जहां भागनबीगा ओपी थाना क्षेत्र इलाके के मोरा तालाब छठ घाट पर उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब दो महिला चोर को चोरी के आरोप में भीड़ ने स्थानीय श्रद्धालुओं ने पीटना शुरू कर दिया। दरअसल मोरा तालाब छठ घाट पर अपने परिवार के साथ छठ व्रती अर्घ देने पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाते हुए महिला चोर की सक्रिय गैंग ने मेले में आई हुई व्रतियों के गले में पहने हुए सोने की चेन और मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर लिया। दर्जनों छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के गले की सोने की चेन और मंगलसूत्र महिला चोर ने चुरा लिए थे और सोने के गहनों पर हाथ साफ करने के दौरान दोनों महिला चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने महिला की जमकर पिटाई करते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया। यही जो बोलेगा सर यही निकालू, यही निकालेंगे। हाँ, इसके अलावा हम बुलाने तरीका जो प्रोसेस आप लोग पढ़े लिखे आदमी भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित छठ के पर्व का चौथा और आखिरी दिन ऊषा अर्घ के रूप में मनाया गया है। जहां छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया गया, इस दौरान छठ की शुरुआत नहाए खाए से हुई थी, जिसके दूसरे दिन खरना हुआ और तीसरे दिन संध्या अर्घ के साथ ही चौथे दिन को ऊषा के रूप में मनाया गया। ये पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी ऊषा को समर्पित होती है और सुबह होते ही छठ घाट पर उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपने परिवार की सुख शांति के लिए भगवान भास्कर से महिलाओं ने प्रार्थना की है। दूसरे अर्घ देते ही 36 घंटे का निर्जला उपवास के साथ साथ छठ पूजा का समापन हो गया। वही छठ व्रतियों की सहूलियत को देखते हुए छठ घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। अब खबर रोहतास से है जहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मनाया गया। वहीं चौक डेहरी बाजार में बने विशाल छठ पंडाल को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक जनता दल के महासचिव और सह पूर्व एनडीए प्रत्याशी रिंकू सोनी ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ खुशियां और प्रार्थना को पूरा करने का एक बड़ा और महान त्यौहार है। इस छठ में श्रद्धा भाव से जो भी भक्त मन में कल्पना लिए हुए इस पर्व को करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व के शुभ अवसर पे प्रत्येक वर्ष जवाहर इंडिया क्लब आज 1972 से लगातार जो आप लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, जो पीछे में पंडाल की गेट की व्यवस्था जो देख रहे हैं, जो भगवान भास्कर के आप मूर्ति देख रहे हैं, प्रतिमा देख रहे हैं, आज कई वर्षों से पर्व का जो संदेश होता है भाईचारा का संदेश होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह ये भाईचारा का छठ पूजा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो वही
वहीं सहरसा में भी छठ की अनोखी छटा देखने को मिली, जहां शंकर चौक स्थित राम जानकी ठाकुरवारी परिसर के छठ घाट पर निष्ठा और आस्था के साथ ये पर्व मनाया गया। वहीं छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य भगवान को अर्घ दिया गया और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में छठ व्रती के द्वारा उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है और अन्य श्रद्धालु भी इस दौरान छठ घाट पर मौजूद है। वो लोग भी उगते हुए सूरज को अर्घ देने में जुटे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।